हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर रिवाइजिंग एस एस सेवन जीरो सिक्स इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इस ऐसे में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी दी गई है uh, कुछ एडिशनल मैटर में रिपोर्टिंग करने की उस एडिशनल मैटर को हम दो पैरा में डिवाइड करेंगे फर्स्ट इज द इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और सेकेंड इज द अदर मैटर पैराग्राफ बेसिकली ये दोनों पैराग्राफ ये हैं कि अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर को कुछ ऐसे मैटर्स नॉलेज में आते हैं जो कि ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने उसको अच्छे से डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बट ऑडिटर को लग रहा है कि यूजर के नॉलेज में लाना जरूरी है अपनी रिपोर्ट के थ्रू ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के थ्रू वो मैटर यूजर के अटेंशन में लाना चाहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सिग्निफिकेंट मैटर है ऑडिटर को लग रहा है यूजर के नॉलेज में लाना ज़रूरी है ये मैटर तो ऑडिटर उन मैटर को इंक्लूड करता है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में फॉर एग्जाम्पल कंपनी में एक बहुत बड़ी सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर हुई है और वो अनअडजेस्टिंग है भले लेकिन ऑडिटर को लग रहा है कि वो इवेंट का नॉलेज शेयर होल्डर या पब्लिक के नॉलेज में आना जरूरी है तो ऑडिटर उस इवेंट का रेफरेंस इम्फेस ऑफ मैटर पैरा में देता है So emphasis of matter para means a para included in the auditor report that refer to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statement, but in the auditor judgment, such matter is such important to the fundamental to the user understanding of financial statement. तो बेटा ऐसे मैटर जो कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बट ऑडिटर के जजमेंट में वो मैटर इतने इंपॉर्टेंट हैं टू द फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर उन मैटर को रिफर करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अंडर द सेपरेट हेडिंग सेपरेट पैरा कॉल्ड द इन्फेसिस ऑफ मैटर पैरा बट दो केस में ऑडिटर इन्फेसिस ऑफ पैरा इंक्लूड नहीं करेगा वो मैटर ईओ एम पैरा में इंक्लूड नहीं करेगा अगर उस मैटर को ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहा है एस ऐस पर ऐसे अगर उस मैटर में मॉडिफिकेशन दे रहा है ना तो वो मैटर इंफेसिस में नहीं जाएगा और दूसरा अगर ऑडिटर ने उस मैटर को ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दिया एस ऐस पर एस एवन देन द सच मैटर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंफेसिस ऑफ मैटर पर तो दो केस में इंफेसिस में मैटर इंक्लूड नहीं होगा अगर उस मैटर में ऑलरेडी रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहा है एस पर एस एस या फिर अगर वो मैटर एज ए की ऑडिट मैटर के रूप में आइडेंटिफाई कर चुका है तो वो मैटर इंक्लूड नहीं करेगा अंडर द की इंफेसिस ऑफ मैटर पैरा अब रिपोर्टिंग कैसे होगी तो अगर ऑडिटर योम पैरा इंक्लूड करना चाहता है ऑडिट रिपोर्ट में तो ऑडिटर एक सेपरेट सेक्शन एक अलग से पैरा ऐड करेगा विद इन ए सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जिसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी इंफेसिस ऑफ मैटर और उस पैरा में ऑडिटर क्लियर रेफरेंस देगा उस मैटर को जिसको वो इंफेसाइज दे रहा है एंड टू वेयर रेलिवेंट डिस्क्लोजर दैट फुल्ली डिस्क्राइब द द मैटर कैन कैन बी बी फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस पैरा सेल रिफर दोज इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंटेड और डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बेटा इसमें यही लिखा गया कि ऑडिटर एक सेपरेट पैरा इंक्लूड करेगा विथ ए सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट विथ ए अप्रोप्रिएट हेडिंग इज कॉल्ड द इम्फेसिस ऑफ मैटर और उस पैर पैराग्राफ में क्लियरली रिफरेंस देगा उस मैटर को जिसको ऑडिटर इम्फेसाइज कर रहा है एंड वेयर एंड टू वेयर द रेलिवेंट डिस्क्रोजर दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन ऑडिटर सेल रिफर ओनली दोज मैटर विच हैज बीन प्रेजेंटेड एंड डिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन ऑडिटर क्लियरली इंडिकेट दैट अपनी इन्फेसिस में ये क्लियरली इंडिकेट करेगा कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन्फेसाइज मतलब ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर रहा है केवल इन्फेसाइज <coughs> कर रहा है यूजर <coughs> के नॉलेज में लाने के लिए कुछ एग्जाम्पल कब कब ऑडिटर ईओम पैरा इंक्लूड कर सकता है सर्कमस्टेंसेज वन द ईओम पैरा कैन बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट लाइक like कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन पेंडिंग चल रहा है जिसके फ्यूचर आउटकम में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ये अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ द एक्सेप्शनल लिटिगेशन कोई लीगल केस बहुत एक्सेप्शनल नेचर का है जिसके फ्यूचर आउटकम में मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब उसका रिजल्ट कुछ भी हो आ सकता है सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट ऑकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट थर्ड एग्जाम्पल अर्लियर अपलिकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज ए परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेजर कैटास्ट्रॉफी लाइक नेचुरल डिजास्टर लाइफ फायर फ्लड ये सब हुआ है जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है या हो चुका है तो ये चार एग्जाम्पल दिए गए और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट में डिसाइड दि, होंगे सेकेंड इज द अदर मैटर पैरा अदर मैटर पैरा मीन्स दो इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट देट रिफर टू ए मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ऐसे मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं हुए हैं बट ऑडिटर जजमेंट सच मैटर इज सो रेलिवेंट टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के जजमेंट में वो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है टू द यूजर अंडर जिससे यूजर समझ सके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट को मोर क्लेरिफाई करने के लिए ऑडिटर ये पैरा इंक्लूड करता है अदर मैटर पैरा अदर मैटर पैरा भी दो केस में नहीं ऑडिटर इंक्लूड करेगा फर्स्ट अगर दिस मैटर इज प्रोहिबिटेड अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है कि ये मैटर रिपोर्ट नहीं करना है तो ऑडिटर उस मैटर को यूम अदर मैटर पैरा में इंक्लूड नहीं करेगा एंड सेकंड इज द वेन एस एस सेवन जीरो वन दैट मीन्स अगर ऑडिटर उस मैटर को ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर चुका है तो ऑडिटर उसे अदर मैटर पैरा में इंक्लूड नहीं करेगा और जब भी ऑडिटर यो अदर मैटर पैरा इंक्लूड करेगा ऑडिटर सेल इंक्लूड सेपरेट सेक्शन विद इन द हेडिंग अदर मैटर पैरा और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन के अंतर्गत अदर पैरा ऐड करेगा जिसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी अदर मैटर पैरा और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग एज द केस में बी एग्जाम्पल हो गया लाइक प्रीवियस ईयर अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अनऑडिटेड थे तो ऑडिटर उसको अदर मैटर पैरा में हाईलाइट करता है कि प्रीवियस ईयर जिससे यूजर को समझ में आ सके कि लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो अनऑडिटेड थे तो बेटा ये दो मैटर हो गए इम्फेसिस और अदर इम्फेसिस में ऐसे पैरा ऐसे मैटर इंक्लूड होते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट और डिस्क्लोज हो चुके हैं बट ऑडिटर के जजमेंट में वो मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू द फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर मैटर पैरा में वो मैटर इंक्लूड होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं हुए हैं बट ऑडिटर के जजमेंट में वो मैटर सो रेलिवेंट है टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी एंड द ऑडिटर रिपोर्ट